जो मेरे ज्योतिष के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज मैं केतु के बारे में बताऊंगा। जो केतु है इसकी प्रकृति समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज्योतिष में कहा जाता है कुंजवत केतु, मतलब मंगल का पुत्र जो है वो केतु है। मंगल को क्रूर ग्रह माना जाता है। मंगल जो है वो खून, चीजों को काटना, मारपीट, व्यक्तियों का दमन, इन सब चीजों के साथ रिलेट किया जाता है। मांगलिक व्यक्ति जो होता है उसका स्वभाव इस तरह का होता है कि वो चाहता है कि जो भी व्यक्ति उसके समक्ष आया है वो उसको किसी ना किसी तरह से कंट्रोल कर सके, उसको किसी तरह से अपने काबू में कर सके, डोमिनेट कर सके। इसीलिए विवाह में ये देखा जाता है कि अगर एक व्यक्ति मांगलिक है, मतलब उसका मंगल बहुत प्रबल है, तो दूसरा व्यक्ति जो है वो भी मांगलिक होना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, एक व्यक्ति जो नॉन मांगलिक है वो पहले दबता रहेगा क्योंकि वो तो नॉर्मल बिहेव कर रहा है और जो मांगलिक व्यक्ति है वो उसे दबाना चाहता है, उसको उसी से जो है वो आत्मिक सुख मिलता है। तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो जो नॉन मांगलिक है वो इतना परेशान हो जाएगा कि वो बगावत कर देगा, उसको जो है वो भाग जाएगा। पहले हिंदुओं में जो डाइवोर्स था वो पॉसिबल नहीं था, तो जो नॉन मांगलिक व्यक्ति होता था वो बीमार रहना शुरू हो जाता था, एक्सेसिव डोमिनेशन के कारण भाग जाता था, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था जिससे कि विवाह जो है वो टूट जाता था, आज की डेट में डाइवोर्स हो जाता है। इसलिए मांगलिक व्यक्ति की मांगलिक व्यक्ति के साथ ही विवाह किया जाता है। पर यहां तो हम बात कर रहे हैं केतु की। केतु जो है वो मंगल का पुत्र है और मंगल से भी ज्यादा क्रूर उसका स्वभाव है। नेगेटिव प्लैनेट है ये, पर सभी नेगेटिव प्लैनेट्स की तरह ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देते हैं। केतु का प्रभाव आप अगर समझना चाहते हैं तो इस तरह से समझिए कि केतु चीजों को काट देता है, रिलेशनशिप्स को तोड़ देता है। अगर कोई प्रोफेशन चल रहा है तो उसमें ब्रेक ले आता है। अगर इसका प्रभाव जो है वो किसी तरह लग्न में पड़ता है तो कुछ ना कुछ शरीर के हिस्से को तोड़ देता है या ऑपरेशन करवा देता है, कटवा देता है। इसके इसी तरह के जो है वो कारकत्व है। पर क्रूर ग्रह है इसलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स देने की क्षमता रखता है। देखो जब भी कोई क्रूर ग्रह होगा वो एक सौम्य ग्रह से बहुत डिफरेंट तरह से रिजल्ट्स देगा। जैसे एक जो बहुत हम व्यक्ति को देखते हैं, एक शरीफ सा व्यक्ति है, वो आपको ना तो कोई बहुत बड़ा फायदा दे सकता है ना बहुत बड़ा नुकसान आपको करेगा। वो आपके साथ सौम्य रहेगा, अच्छा रहेगा, बस गुडी गुडी जिसे बोलते हैं गुडी गुडी रहेगा आपके साथ। जो एग्रेसिव व्यक्ति है वो व्यक्ति आपको बड़े लाभ भी दे सकता है और वो व्यक्ति आपको बड़े नुकसान भी दे सकता है। ऐसी ही प्रकृति जो है केतु की है। केतु जो है ये कहीं ना कहीं, लेकिन इसका एक और भी रूप जो है उसको समझना पड़ेगा आपको। केतु जो है वो व्यक्ति को इस जन्म मरण के बंधन से तोड़ने की भी क्षमता रखता है। तोड़ना काम है ना उसका, ब्रेक। तो वो आपको जन्म और मरण के जो चक्र है, बंधन है, उससे भी तोड़ के आपको आजाद कर सकता है। इसके लिए भी केतु बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। और जो लोग जेन्युइन वाला संन्यास लेते हैं, इस संसार के मोह माया से पूरी तरह से विरक्त हो जाते हैं,
एक अलग किस्म का जीवन व्यतीत करते हैं अपनी मर्जी से, उन लोगों की पत्री में केतु जो है वो बहुत प्रबल होता है और वो उनको इस पूरे संसार से तोड़ के अलग करके एक अलग तरह का जीवन यापन करने की क्षमता भी देता है, प्रेरणा भी देता है और करवा भी देता है। केतु के प्रभाव जो है वो कई स्थानों पे नेगेटिव है, पर कई स्थानों पे केतु के प्रभाव जो है वो बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। अगर हम केतु का प्रभाव जो है वो नाइन्थ हाउस में देखें तो केतु का प्रभाव नाइन्थ हाउस में बहुत पॉजिटिव होता है। केतु जो है वो व्यक्ति को भाग्य का ऐसा सपोर्ट देता है कि व्यक्ति धनाढ़ हो जाता है। जो राजयोग कारक ग्रह बन जाता है ये, और विशेष करके अगर ये बृहस्पति के साथ कोई भी संबंध बना हो, या तो बृहस्पति की इस पे दृष्टि हो या फिर इसकी बृहस्पति पे दृष्टि हो, अगर इसकी बृहस्पति पे दृष्टि होगी तो बृहस्पति की इस पे दृष्टि होगी होगी, लेकिन बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भी होती है, केतु की सप्तम दृष्टि नहीं होती। उसे ऐसी संभावना जरूर रह सकती कि बृहस्पति जो है वो केतु पे सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं, और या फिर बृहस्पति जो है कंजंक्शन में है, मतलब साथ में बैठे हैं केतु के, तो केतु का जो स्वभाव है वो पूर्णतः बदल जाता है, वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने शुरू कर देता है और राजयोग कारक बन जाता है। भाग्य को बिल्कुल व्यक्ति के जो है वो एक अलग ही परिस्थिति में, एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। जिन पत्रियों में केतु नवम में, पंचम में, लग्न में बैठे हो, वहां पे व्यक्ति को भाग्य का सपोर्ट बहुत बड़ा देते हैं वो, और विशेष करके तब जब उनके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि हो। देखिए बड़ी विचित्र सी कहानी है, बड़ा विचित्र सा ग्रह है ये। एक तरफ ये पूर्णता की प्रकाष्ठा को दिखाता है, दूसरी तरफ ये मोक्ष को भी दिलाता है। दो चीजें बिल्कुल सेपरेट होगी। मोक्ष उसी को मिलेगा जो इस संसार के सब बंधनों से टूट जाएगा, जिसको कोई यहाँ पे मोह नजर नहीं आएगा, जिसको कि ये समझ आ जाएगा कि इस संसार में जो कुछ है वो एक माया है, एक छल है, और इससे बाहर निकलना ही जो है वो लॉन्ग टर्म में एक पॉजिटिव रिजल्ट देने वाली चीज हो सकती है। और क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है इस मोह माया का, तो व्यक्ति इस मोह माया से बाहर निकलने की इच्छा रखता है। नॉर्मल व्यक्ति नहीं रखेगा, वो अपने आखिरी क्षण तक जो है जो मोह है अपने, उनको तोड़ने की क्षमता नहीं रखता। उसके कारण से जर जोरु जमीन, इन तीनों के साथ उसके जो लगाव होते हैं, जो अपने परिवार के साथ, अपनी प्रॉपर्टीज के साथ सब लगाव होते हैं, वो इतना उसे बांध रखते हैं कि वो मृत्यु के बाद भी इस चक्र को तोड़ने में सक्षम नहीं होता। इस चक्र को तोड़ने के लिए मन जो है वो पूरी तरह से सौम्य हो गया हो, व्यक्ति को किसी भी चीज में कोई रुचि ना रह गई हो, उसको ये पूरी तरह से एहसास हो गया हो कि ये सब माया है और बहुत टेम्पररी वाली माया है, तभी उसको जो है वो मोक्ष मिलेगा। वो भी जो है वो केतु देता है। और एक क्रूर व्यक्ति जो किसी की हत्या भी कर सकता है, जो किसी की हड्डी पसली भी तोड़ सकता है, जो उसको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की, उसको भी जो डिमोट करता है वो केतु ही करता है।
तो केतु की जो है वो एक्सट्रीम दो पर्सनैलिटी है, जिसे स्प्लिट पर्सनैलिटीज हम बोलते हैं, ऐसी उसकी पर्सनैलिटी है। केतु के बारे में एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग देखी जाती है, केतु जो है वो सडन गेन्स देने की क्षमता रखता है। केतु व्यक्ति को अकस्मात धन की प्राप्ति देता है, अचानक ही व्यक्ति देखता है कि मैं जो हूँ वो धनी होना शुरू हो गया, पैसा चारों तरफ से आना शुरू हो गया, और कुछ ही दिन में, महीनों में, कुछ 2, 3, 4, 5, 6 महीने में उसकी पूरी जो परिस्थिति है उसको बदल देने की क्षमता अगर कोई ग्रह रखता है तो वो केतु ही रखता है। किसी भी पत्री में केतु की पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उस पूरे व्यक्ति के जीवन गाथा को समझने के लिए। प्लस अंत में उसका जो आत्मा है उसकी वो किस रास्ते पे जाएगी, इसको समझने के लिए भी केतु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है। केतु के विषय में एक चीज जो है वो सभी जो ज्योतिष में रहते हैं उसमें, कि इसको जो है वो शांत करना बहुत अनिवार्य होता है, और इसकी शांति जो है वो प्रभु भक्ति से ही होती है। यदि आप केतु को शांत करना चाहते हैं तो तीर्थाटनों का, उन स्थानों का जहाँ पे कि समुद्र मंथन के समय अमृत गिरा था, तात्पर्य हरिद्वार, उज्जैन, वाराणसी, यहाँ पे जो है, हाँ, और साथ में इलाहाबाद, जिसे अब जो है वो डिफरेंट नाम से बोल रहे हैं, लेकिन इन जगहों पे जाने से आपका जो है वो मोक्ष की प्राप्ति की तरफ, केतु की पॉजिटिविटी लाने की तरफ एक बड़ा प्रयास जो है वो हो सकता है। जो केतु है अगर उसको इस तरह से शांत रखा जाए तो वो अपने नेगेटिव इफेक्ट्स कम देता है, नहीं देता ऐसा तो नहीं होगा पर कम देता है ऐसा जरूर होगा। केतु के बारे में, केतु को समझने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 10, 15, 20 ऐसे व्यक्तियों की होरोस्कोप इकट्ठी करें जिनके जीवन को आप समझते हो, और फिर उन होरोस्कोप्स को में जो केतु की पोजीशनिंग है उसको एनालाइज करिए, और फिर उसको जो है वो समझिए कि केतु कैसे कैसे रिजल्ट्स दे रहा है। पर जब केतु को आप समझें तो केतु के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की हमेशा जरूरत पड़ेगी आपको। केतु जो है वो अपने अकेले पोजीशन में जो है एज एन इंडिविजुअल रिजल्ट नहीं देता, उसके रिजल्ट्स जो है वो स्ट्रांगली इफेक्ट हो जाते हैं इस चीज से कि वो किसके साथ बैठा है और उसके ऊपर दृष्टि किसकी है। राहु और केतु दोनों ही ग्रह जो है ये बहुत हद तक उन ग्रहों की प्रभाव में आ जाते हैं, क्योंकि अपने आप में ये छाया ग्रह हैं, तो ये जिनके साथ बैठते हैं या जिनकी दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही होती है उसके प्रभाव बहुत स्ट्रांगली देना शुरू कर देते हैं।